सड़क पर बिखरा पड़ा ये सामान गवाही दे रहा है कि किसी का घर उजड़ा है। और ये दरअसल पूरी कार्रवाई हुई है दिल्ली में सिविक सेंटर के सामने बैरन रोड पर। यहाँ पर 4 फ्लैट बने थे जिसे फिलहाल जो बुलडोजर है, जेसीबी मशीन है, उसके जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल ये पूरी जो ज़मीन है ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन बताई जा रही है, जो फिलहाल किसी को अलॉट कर दी गई है। और यहाँ पर बीते कई वर्षों से लोग रह रहे थे, 4 परिवार रह रहे थे। उन्हें आनन फानन में बगैर किसी सूचना के सुबह यहाँ से हटाया गया है। बड़ी तादाद में फोर्स यहाँ पर पहुँची, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ा दस्ता आया है और उसके बाद इन लोगों का सामान यहाँ से आनन फानन में हटाया गया। फिलहाल स्थिति ये है कि जो सभी लोग हैं वो अब यहाँ पर बगैर किसी आसमान के, बगैर खुली छत के नीचे अब यहाँ पर खड़े। सर, किस तरह से कार्रवाई हुई, इन लोगों ने कुछ बताया नहीं? बगैर बताए एकदम कार्रवाई शुरू कर दी, सामान तक नहीं उठाने दिया। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, टेस्ट देने गए हुए, एग्ज़ाम देने गए हुए, और हमको इन्होंने कहा हड़ो निकलो, और हम निकल गए। क्या करते हैं, पुलिस इतनी ज़्यादा थी कि बे इंतहा हमें डांट रहे थे। इस वक्त तो जो ठंड का मौसम चल रहा है, सीजन में आप लोगों को अब खुले घर ही छीन लिया गया। घर छीन लिया, कहाँ पे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। हमें तो घर ही नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया घर, क्या करें अब। कहीं और आपको अलॉट किया ऐसा कुछ नहीं, नहीं दिया, नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। सब सड़क पे बैठे, हमें पहले से टाइम दे देते तो सड़क पे तो नहीं भेजते हमारे बहू बेटी के, तीती सी बच्ची के, घर के, अपने घर की जायदाद छोड़ के आए। सन 1983 में 13 अगस्त 1983 में यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट करा गया हमें कि आप 2 साल यहाँ रहिए, फिर हम आपको वहीं बसा देंगे। आज 35 साल 36 साल हो रहा है, हमें आज तक नहीं बसाया गया वहाँ। और हमें ये कहा गया आज वहाँ चले आओ, वहाँ चले आओ, देते हैं नहीं कुछ। अभी तक देखो ये मकान तोड़ दिया गया, अलॉटमेंट करा नहीं है ना, अलॉटमेंट करा, बच्चे सड़क पे बैठे हैं। बताओ किस तरह से, बिल्कुल हमारे बच्चे बिल्कुल सड़क पे बैठे, सर्दी में क्या होगा, चाय तक नहीं पी हमारे बच्चों ने। एक स्थिति आप देख सकते हैं परिवार वालों का दर्द। दरअसल ठंड का मौसम चल रहा है और इस वक्त 4 परिवार, खासतौर पे 4 फ्लैट्स हैं जिन्हें यहाँ से तोड़ा गया है। इनका सामान देखिए खुले आसमान के नीचे इस वक्त रखा हुआ है। अब संकट सबसे पहले इनके ऊपर ये है कि इन्हें इसके बदले फिलहाल कोई मकान अलॉट नहीं किया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लोग यहाँ से आखिर कहाँ जाएंगे।